आप सीधी तस्वीरें आप देख लीजिए, अमित शाह एक बड़ा रोड शो करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। अमित शाह के इस रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी हुई है और अमित शाह के समर्थन में रांची से जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जमकर नारेबाजी हो रही है। सभी लोग, कुछ इनमें से कार्यकर्ता, कुछ स्थानीय लोग इस वक्त अमित शाह के स्वागत के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा, फिर भी लोगों का जोश हाई है। गर्मी इतनी ज़्यादा, फिर भी लोगों का उत्साह देखते बन रहा है। झारखंड में इस वक्त जीत की हुंकार भरते हुए अपने रोड शो के जरिए आप अमित शाह को देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं। लोगों के हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा, इसके अलावा बड़े बड़े पोस्टर्स जिसमें अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, अब की बार 400 पार का नारा लिखा गया है और विकास रथ कह सकते हैं, विजय रथ इस वक्त अमित शाह की तरफ से निकाला जा रहा है। और रांची के जो सड़कें हैं वहाँ पर आप इस भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे जब किसी क्षेत्र में पहुँचते हैं तो वहाँ की जनता कितनी खुश हो जाती है। चार चरण निपट चुके हैं, पाँचवें चरण पर चुनाव मतदान होना है और एक्शन में इस वक्त अमित शाह फिलहाल आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें युवाओं की तादाद आप देख सकते हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन में अमित शाह की एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए, अमित शाह की वीडियो बनाने में का उत्साह युवाओं में कितना ज़्यादा देखा जा रहा है। महिलाएं भी पीछे नहीं हट रही हैं, पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इस भारी भीड़ में अमित शाह के रोड शो में पहुंची हुई हैं। जनसभा, रैलीज, ताबड़तोड़ दौरे अलग अलग राज्यों के। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय सेठ यहां से चुनावी रण में हैं और उन्हीं के पक्ष में इस वक्त अमित शाह प्रचार कर रहे हैं। एक बड़ा रोड शो उनकी तरफ से निकाला जा रहा है। एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी खास फोकस कर रही है। इंदिरा चौक से लेकर ये शुरू किया गया है अमित शाह का रोड शो। इंदिरा चौक जहाँ से आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं रांची में, वहीं से इस रोड शो की शुरुआत हुई। सरस्वती शिशु मंदिर तक ये रोड शो होगा, फिर जनसभा भी होगी अमित शाह की। इंदिरा चौक से सरस्वती शिशु मंदिर तक ये भव्य रोड शो करते हुए आप देख रहे हैं अमित शाह को, जिसमें युवा, महिलाएं और तो और बुजुर्ग भी आपको नजर आ रहे हैं। अपने अपने अंदाज में लोग समर्थन अमित शाह का करते हुए आप देख सकते हैं। उनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी भी है जो हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन इस वक्त स्वीकार कर रहे हैं। अमित शाह लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। उनका जिस तरह से स्वागत सत्कार किया गया, गदगद नजर आ रहे हैं अमित शाह। 1.5 किलोमीटर तक लंबा रोड शो है अमित शाह का। धीरे धीरे उनका काफिला आगे इस वक्त बढ़ रहा है। रांची में गृहमंत्री अमित शाह के इस रोड शो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम बड़े चेहरों को देखकर कितना ज़्यादा उत्साहित है। और तो और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। संजय सेठ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है इसी लोकसभा सीट से, वो भी इस वक्त जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं क्योंकि पार्टी का एक बड़ा चेहरा उनके साथ इस वक्त मौजूद है और उन्हीं के लिए प्रचार करने के लिए यहाँ पर पहुंचा भी है। ढोल नगाड़ों की आवाज़ आप सुन सकते हैं, ढोल नगाड़ों की थाप से स्वागत। और देखिए कुछ महिलाओं के हाथ में अमित शाह का पोस्टर जिसमें 400 पार का नारा लिखा हुआ है और धीरे धीरे ये काफिला आगे की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ आप देख पा रहे हैं। झारखंड की राजनीति में से पहले भी जमकर भूचाल आया, बवाल आया जब हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद से हमने देखा था कि बीजेपी लगातार मौजूदा सरकार को निशाने पर ले रही थी। अब ताकि इस राज्य का विकास हो, यहाँ के युवा आगे बढ़े, यहाँ की महिलाओं को काम मिले, वो आत्मनिर्भर बने, ये खास फोकस बीजेपी कर रही है और जनता से वादा भी कर रही है।
इंदिरा चौक से रोड शो की शुरुआत होती है, सरस्वती शिशु मंदिर तक ये रोड शो होगा और बताया जा रहा है कि 1.5 किलोमीटर तक ये लंबा रोड शो अमित शाह इस वक्त कर रहे हैं। यहाँ की संस्कृति के रंग भी आप देख सकते हैं। झारखंड के रांची से जो तस्वीरें आपने देखी इसमें आपको नजर आएगा कि यहाँ की जो स्थानीय परंपरा है, यहाँ की पोशाक, यहाँ की परंपरा, वो भी आपको फिलहाल इस तस्वीर में नजर आएगी। लेकिन इस रोड शो में आप अमित शाह का एक्शन देख सकते हैं कि एक्टिव मोड में इस वक्त अमित शाह और बीजेपी नजर आ रही है।